आपकी बहुत ख्याति है देश विदेश में, तो ऐसे महनीय आचार्य को आज हम इस कार्यक्रम में पा रहे हैं और वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे निरंतर 8 दिनों तक। यह व्याख्यान माला चलती रहेगी, तो ऐसे महनीय आचार्य का आज हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं आप सभी सुधी श्रोता वर्ग का, श्रोतृवृंद का, जो हमें निरंतर इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं तथा इसका लाभ भी लेते हैं। तो हम समाहूत करेंगे माननीय आचार्य जी प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर को। कृपया सर आप अपना व्याख्यान प्रदान करें। धन्यवाद। यो सील समाधि पय्या विमुक्ति यान प्रभुति युतो एतं जनानं कुशलत्थिकानं तमर्यं संगं शीर्षा नमामि। मैं भदंताचार्य बुद्धत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान का आभारी हूं जिन्होंने आप लोगों के साथ रूबरू होने का, अपने विचारों को आदान प्रदान करने का यह सुअवसर प्रदान किया। विशेषकर मैं प्रफुल्ल गढ़पाल जी का आभारी हूं जिन्होंने यह अवसर मुझे प्रदान किया है। उनका निवेदन था, सुझाव भी था कि मैं बुद्ध के जो मूल भूत जो विचार हैं, बुद्ध के जो आयास प्रयास थे, जो उन्होंने 45 वर्षों तक आम जनता के बीच में गांव गांव नगर नगर जनपद जनपद अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया ताकि समाज का मंगल हो सके, समाज का कल्याण हो सके, समाज का हित हो सके, समाज का सुख हो सके, समाज में सौहार्द जगे, समाज में सद्भाव जगे। यही प्रयास प्रफुल्ल गढ़पाल जी कर रहे हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले इस पावन धरती पर महामानव का क्योंकि महामानव जन्म नहीं लेते हैं बल्कि प्रकट होते हैं। उनका प्रकट होता है क्योंकि प्रकट्य जो है वो जन कल्याण के लिए होता है और उनके साथ कुछ अद्भुत घटनाएं घटती है। तो पहले मैं चाहूंगा कि बुद्ध के जीवन को बहुत ही संक्षेप में, मूल मूल बातों को आज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि वो आगे जो रेफरेंस आए तो वो हम लोगों का जाना पहचाना समझा बुझा हुआ लगे। जैसा कि अभी हमने कहा कि आज से 2500 वर्ष पहले, जैसा कि भारत सरकार ने बुद्ध की जन्म तिथि को 563 ईसा पूर्व स्वीकार किया है, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का आविर्भाव इस लोक में होता है। युगो युगो में एक बुद्ध उत्पन्न होता है, यह एक युगांतकारी घटना थी। बुद्ध का आविर्भाव इस लोक के लिए बड़ा सुखदायक था। सुखो बुद्धानंग उपादो,
है ना, किसी किसी युग में ये ऐसा व्यक्तित्व आता है और पूरे युग बीच बीच में तकनीकी समस्या आ जाती है जिसके कारण कुछ व्यवधान होता है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि बुद्ध छठी सदी ईसा पूर्व में इस लोक में आते हैं। और इस धरती को, इस भूमि को स्वर्ग बनाने का यथासंभव प्रयास करते हैं। बुद्ध अगर बनते हैं तो ये बुद्ध क्या के पूर्व भी वो जन्म ग्रहण कर चुके हैं, क्योंकि बुद्ध पुनर्जन्म को, रीबर्थ को स्वीकार करते हैं। पिछला जीवन उनका उत्तम रहा होगा, वे कुशल कार्यों से संपन्न रहा होगा, इसलिए वे इस जीवन में राजा के घर में, राजा शुद्धोदत के घर में उनकी पत्नी महामाया के घर में वो आते हैं और 10 माह के बाद वो इस लोक में इनका आविर्भाव होता है। चमत्कारी बातों में मैं नहीं जाऊंगा। श्रुति ऐसा है कि जब वे उत्पन्न होते हैं तो कुछ पग वह पैदल चलते हैं, चूंकि यह सामान्य मानव नहीं है, यह महामानव है, भगवान का स्वरूप है, इसलिए वह घटनाएं घटी। अब देखें, जन्म ग्रहण करने के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इनका पालन पोषण इनकी मौसी या सौतेली मां भी कह सकते हैं, महाप्रजापति गौतमी करती है। पढ़ने में बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि के गौतम सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम गौतम सिद्धार्थ था। मैं बहुत कहानियों के बीच में नहीं पढ़ना चाहता हूं। तो गौतम सिद्धार्थ का लालन पालन बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। जो सी आते हैं, दो तरह की भविष्यवाणी की जाती है। एक भविष्यवाणी यह है, क्योंकि इनके अंदर 32 महापुरुषों के लक्षण हैं, 32 ही अधिकतम लक्षण होते हैं जो गौतम सिद्धार्थ के में मौजूद थे। तो इस 32 महालक्षणों से युक्त होने वाला मानव की दो ही गतियां होती है। यदि वह गृहस्थ जीवन जीता है तो वह चक्रवर्ती राजा का जीवन जीता है, अगर वह गृह त्याग करता है वह बुद्ध होता है। तो दो बातें आई, आइदर यह चक्रवर्ती राजा होंगे या ये सन्यासी बनेंगे।
हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र सन्यासी न बने, चक्रवर्ती राजा बने। गौतम सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन खुद राजा थे, तो इन्होंने गृहस्थ के बंधन में बांधने का बहुत प्रयास किया और यशोधरा नामक सुंदर कन्या से इनकी शादी कर दी जाती है। लेकिन गृहस्थ सुख इनको नहीं भाता है। बचपन से ही ये ध्यानशील रहते हैं, इनका आकर्षण अध्यात्म की ओर ज्यादा रहता है, गृहस्थ की ओर मन इनका नहीं लगता है। 29वें वर्ष में अपनी पत्नी पूरा राजपाट, छोटा सा नन्ना सा राहुल जो इनका पुत्र गौतम सिद्धार्थ का, उसको छोड़कर गृह त्याग कर देते हैं। उस गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, पाली भाषा में महाभिनिखमन कहा जाता है। निखमन का अर्थ हुआ निष्क्रमण, निष्क्रमण का अर्थ होता है निकल जाना, घर से निकल जाना। अभी उपसर्ग लगा है जिसका अर्थ हुआ विशेष उद्देश्य से घर से निकलना, गृह त्याग करना, जन कल्याण के लिए गृह त्याग करना, इसलिए अभी उपसर्ग लगा है। लेकिन बुद्ध के लिए महाशब्द लगा, क्योंकि कोई महान उद्देश्य से इन्होंने गृह त्याग किया। और बाकी लोग सन्यासी जो गृह त्याग करते हैं उनके लिए अविनिष्क्रमण, और आम व्यक्ति ऐसे ही घर छोड़कर कहीं और जगह चला जाता है तो उसके लिए निष्क्रमण, यही निष्क्रमण, अविनिष्क्रमण, अमहाविनिष्क्रमण है। बुद्ध के लिए ही केवल हम लोग महाविनिष्क्रमण का प्रयोग करते हैं। तो भगवान बुद्ध का 29वें वर्ष में महाविनिष्क्रमण होता है, महान उद्देश्य लेकर यह गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग करने के चार कारण बतलाए गए हैं, जिसे चत्तारी पूर्व निमित्तानि, पूर्व मने पूर्व, निमित्त मने कारण। गृह त्याग के चार कारण बताए गए। पहला कहा गया जड़ा जिन्न, ये गिलान को, बीमार व्यक्ति को देखते हैं। तीसरा कहा गया मत्तकंग, मृतक को देखते हैं। और चौथा है पब्बजितो, परवर्जित को देखते हैं, यानी सन्यासी को देखते हैं। पहला जो था बूढ़ा ओल्ड मैन, बड़ा कष्ट में था, किसी तरह से लकुटिया से चल रहा था, बीमार व्यक्ति भी बहुत दुखी था। मृतक को देखा कि खाट पर उसको लेकर लोग जा रहे हैं। इन तीनों अवस्था जो मानव की थी, इन तीनों अवस्थाओं से युक्त जो मानव को देखा तो वह दर्वित हुए, करुणा का भाव जगा कि यह स्थिति क्यों आती है। और जब चौथी स्थिति देखा सन्यासी को, उनके मुखमंडल पर शांति थी, उनका आभा मंडल प्रकाशित हो रहा था, तो इन्हें लगा कि अगर दुख से सुख की ओर जाना है तो सन्यास ग्रहण करना अनिवार्य शर्त है। और उन्होंने निश्चय किया कि मैं गृह त्याग करूंगा, और 29वें वर्ष में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, महाविनिष्क्रमण कर दिया। महाविनिष्क्रमण उन्होंने क्यों किया, दुख से सुख की ओर कैसे पहुंचा जाए,
इस ज्ञान के लिए किया। मैं पूर्व में बताया कि तीक्ष्ण बुद्धि के थे, उस समय जो उपलब्ध ज्ञान था वेदों का और उपनिषदों का, जो भी उस समय सनातन धर्म के ज्ञान थे, वे सब इनको कंठागत थे। लेकिन उन शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं लिखा था, यह ज्ञान नहीं बतलाया गया था कि मनुष्य दुखी क्यों होता है, उस दुख का कारण क्या है और उस दुख से बाहर निकल कैसे सकते हैं, बूढ़ा कोई क्यों होता है, बीमार क्यों पड़ता है, आदमी मरता ही क्यों है और वो आदमी इस लोक में आता ही क्यों है। इस तथ्य को बतलाने वाले इस लोक में, इस विश्व में, इस संसार में भगवान बुद्ध थे पहला व्यक्ति जिन्होंने इस सत्य को उद्घाटित किया। तो इसी सत्य को जानने के लिए उन्होंने महावीर निष्कर्मण किया था। महावीर निष्कर्मण चूंकि उस ज्ञान शास्त्रों में तो इसका ज्ञान था ही नहीं, तो इनको खोज करनी थी। खोज करने के लिए इन्होंने गुरु का तलाश शुरू किया, कई गुरुओं के पास गया, लेकिन जो शास्त्र परंपरागत शास्त्र चल रहे थे उन्हीं शास्त्रों को वे सब बताते थे, तो इनको कोई लाभ नहीं होता था। तो वे वहां से फिर दूसरे गुरु के पास जाते थे। इस तरह से कई गुरुओं की तलाश में भटके, भटकते भटकते अलार कलाम और उद्दक राम पुत्र नाम के दो गुरुओं के संपर्क में आते हैं। उन्हें अपनी जिज्ञासा को बतलाते हैं, लेकिन उनके पास भी जो ये चाहते थे वो ज्ञान नहीं था, लेकिन ध्यान का मार्ग उन्होंने बहुत कुछ बतलाया, उससे इनको लाभ तो मिला, ऐसा नहीं कह सकते हैं लाभ नहीं मिला, लाभ बहुत कुछ मिला, एक आधार प्रदान हुआ, उस आधार पर ये और आगे बढ़े और अलार कलाम और उद्दक राम पुत्र को भी छोड़कर स्वयं अपने प्रयास से सत ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उस क्रम में इन्हें पांच साथी, पांच सहयोगी साथ लग जाते हैं। वे पांच हैं कौंडिन्य, वप, भद्ये, महानाम और अश्वजी। पांचों साथ साथ तप करते हैं, साथ साथ ध्यान करते हैं, साथ साथ ज्ञान की जिज्ञासा पाने की इच्छा रखते हैं। निश्चित रूप से गौतम सिद्धार्थ उन सबों में श्रेष्ठ थे ज्ञान में। तो गौतम सिद्धार्थ को गुरु मानकर स्वयं को अनुयायी व समझकर इनके साथ साथ लगे रहते हैं। ये कठोर तप ज्ञान की लालसा में, ज्ञान प्राप्त करने की प्रत्याशा में अब कठोर तप करने लगते हैं, उपवास पर बैठ जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और उनको लगता है कि इसी से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन उपवास करते करते इन्हें एक दिन मूर्छा आ जाती है, मूर्छित होकर ये गिर पड़ते हैं। उसी समय सुजाता नामक एक कन्या खीर लेकर आती है,
इन्हें खीर देती है। खीर को ये खाते हैं और उस खीर को पाली में पायास कहते हैं। उस पायास को ग्रहण करने के बाद इनको फिर तरोताजगी आती है, अंदर से शक्ति जगती है और तब उन्हें एक बोध होता है। परम ज्ञान नहीं होता लेकिन अंदर का एक बोध होता है कि वीणा की तार को इतना न कस दो कि वो टूट जाए। इन्हें ये लगता है कि हमने अपने साथ अत्याचार किया। महाभिन्न निष्कर्मण के पहले जो काय सुख था उसका उन्होंने उपभोग किया था, वहां ज्ञान नहीं मिला, केवल पोंगा पंथी वाला जो शास्त्रों का परंपरागत शास्त्रों का जो ज्ञान था वह मिला, जिसमें दुख निवृत्ति का मार्ग नहीं लिखा था, परम सुख का मार्ग नहीं प्राप्त था। महाभिन्न निष्कर्मण के बाद उन्होंने जो तप किया, कठोर तप किया, वहां भी उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उनका जीवन ही अंत हो जाएगा। उनके मन में ये भाव जगा कि मैंने जो महावीर निष्कर्मण किया है वह जीवन को यूं ही समाप्त करने के लिए नहीं किया, मैंने ये महावीर निष्कर्मण किया है वह ज्ञान के लिए किया है कि कई क्यों मैं इस लोक में आया हूं और मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा, क्यों कोई दुखी होता है, क्यों कोई सुखी होता है, इसकी खोज करने के लिए मैं महावीर निष्कर्मण किया है। अब वे खाना शुरू कर देते हैं, भोजन ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। इनको भोजन ग्रहण करते हुए देखकर इनके 500 योगी इनको छोड़कर अलग हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। अब गौतम सिद्धार्थ अकेले, बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। अब उस अकेलापन पर अब उनके पास और ज्यादा समय अपने अंदर को देखने का मिलता है। अब तप में लगते हैं और ध्यान, तप अब उपवास वाला तप नहीं बल्कि ध्यान का तप लगाते हैं और ध्यान लगाते लगाते 49वें दिन इनको परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह परम ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे होती है। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। और यह जो बोधि वृक्ष है वो उड़वेला में है, बिहार के उड़वेला में। ज्ञान प्राप्ति के बाद उस उड़वेला को बोध गया कहा जाने लगा। बोध हो गया, बोध हो गया, तो वही बोध गया हो गया। तो उसके पूर्व उसे उड़वेला के नाम से जाना जाता था, आज उसे हम बोध गया के नाम से जानते हैं। ज्ञान मिल गया, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिल गया, परम ज्ञान मिल गया, दुखों का अंत हो गया, परम सुख की प्राप्ति हो गई। अब जीवन में भी परिवर्तन हुआ और जो परिवर्तन हुआ, मानस अवस्था में जो परिवर्तन हुआ उसे हम निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का अर्थ हुआ
तृष्णाओं से मुक्ति, दुखों से मुक्ति। इस निर्वाण पर हम बाद में जाएंगे कि यह निर्वाण क्या है, लेकिन अभी केवल शब्दगत जाते हैं। तो जो मन की अवस्था प्राप्त हुई, जो परम सुख मिला, उस परम सुख को निर्वाण कहते हैं। जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान को पैया कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा ज्ञा मतलब ज्ञान होता है, प्र मने विशेष ज्ञान होता है, अनुभव जनित ज्ञान होता है। जो अनुभव से जो उन्हें ज्ञान मिला वह प्रज्ञा हुआ, और उस प्रज्ञा का स्फुरण के बाद, प्रज्ञा के प्रकट होने के बाद जो जीवन में परिवर्तन हुआ वह निर्वाण हुआ, जो परम सुख की अवस्था है। अब सुख ही सुख है, केवल सुख उनके जीवन में। उस सुख का वो बोधि वृक्ष के नीचे आनंद लेते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। फिर कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद इस लोक को देखते हैं। अब परम सुख के बाद, निर्वाण के बाद, अब गौतम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध हो गए, इनलाइटेड वन, प्रकाशित हो गए। जो उन्हें प्राप्त करना था वह प्राप्त कर लिया इन्होंने। गौतम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध, तो अब गौतम बुद्ध है। जब बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, बुद्ध पर भी जाएंगे, बुद्ध हम किसे कहते हैं तो हम बाद में जाएंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा जो है बैकग्राउंड में जा रहे हैं, पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। जब भगवान बुद्ध को जब ज्ञान मिल गया, तो वह भगवान भी हो गए, उन्हें अरिहंत भी कहते हैं, उन्हें सुगत भी कहते हैं, उन्हें शास्ता भी कहते हैं, उन्हें तथागत भी कहते हैं। ये सब चीजें क्या हैं वह हम बाद में चर्चा करेंगे। वैसे भी हमारा जो है बुद्ध सीरीज करके एपिसोड निकल चुका है, 22 एपिसोड निकले हैं, अभी और ये चल रहा है। उसमें पूरे डिटेल से बुद्ध की जीवनी और उनके दर्शनों पर प्रकाश डाला गया है। अगर विशेष अगर दे जानना हो, कुछ डिटेल में जानना हो, तो उस बुद्ध सीरीज को आप प्रोफेसर रमेश प्रसाद करके यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। तो बुद्ध, गौतम बुद्ध जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तब उन्हें दिव्य चक्षु उत्पन्न होता है, दिव्य स्रोत उत्पन्न होता है। दिव्य स्रोत का अर्थ हुआ डिवाइन ईयर, दिव्य चक्षु का अर्थ हुआ डिवाइन आई, या दिव्य चक्षु जो है वह क्या है वो देखते हैं। यानी यहां बैठे बैठे हम पूरे लोक को देख सकते हैं, कौन कहां विचरण कर रहा है, कौन किस अवस्था में है, उसके मन को टटोल सकते हैं। दिव्य सोच से कहीं की भी, किसी की भी बातों को यहां बैठे बैठे हम सुन सकते हैं। तो भगवान को दिव्य चक्षु उत्पन्न हुई, दिव्य स्रोत उत्पन्न हुआ, और भी कई चीज हम इसमें अभी नहीं आएंगे। तो दिव्य चक्षु से चक्षु का, चक्षु से चक्षु, चक्षु है पाली में, चक्षु है हिंदी में,
दिव्य के लिए पाली में दिव्य शब्द है, तो दिव्य चक्षु से वे लोक को देखते हैं, तो लोक को देखते हैं तो लगता है कि यह लोक जो है राग द्वेष से घिरा हुआ है। किच्छेन में अधिगतं हलंदानी प्रकाशितुं राग दोष प्रेते ही नायं धम्मो सुसंबुद्धो। यह जो प्रजा है वह राग द्वेष से घिरी हुई है, राग दोष प्रेते ही नायं धम्मो सुसंबुद्धो। तो हमने जो धर्म प्राप्त किया है, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, यह ज्ञान जो है इन्हें समझने योग्य नहीं है, यह समझ नहीं सकते हैं। ऐसा उन्होंने दिव्य चक्षु से देखा। और उपदेश देने का ख्याल मन से हटा देते हैं। सहमपति ब्रह्मा इनके मन के बातों को जानते हैं, तब उन्हें लगता है कि ये जो बुद्ध इस लोक में प्रकट हुए हैं, अगर ये उपदेश नहीं करेंगे तब इस लोक का कल्याण नहीं होगा और संसार जो है अंधकार में भटकता रहेगा। सहमपति ब्रह्मा बुद्ध के पास आते हैं और इन्हें इनसे निवेदन करते हैं कि भगवान आप उपदेश करें, जरूर लोक में मल है, राग द्वेष से घिरा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास मल कम है, विकार कम है, अगर आप उपदेश करेंगे तो वे अपने मल को नष्ट करके निर्मल बन जाएंगे, जग का कल्याण होगा। बुद्ध तैयार होते हैं। ये सहमपति ब्रह्मा जो है वह देव लोक के हैं और बुद्ध जो है देवता से ऊपर है, इसलिए पाली भाषा जो गढ़पाल जी पढ़ा रहे हैं तो ये पाली भाषा देव भाषा तो भाई संस्कृत है, तो वहां देवताओं की बात है, बुद्ध देवताओं से ऊपर है। हम बाद में देखेंगे संयुक्त निकाय में एक देवता संयुक्त ही है, जहां देवता लोग भगवान के पास आकर उपदेश सुनते हैं ताकि उनका भी कल्याण हो सके। आगे देखेंगे। तो सहमपति ब्रह्मा के अनुरोध को स्वीकार कर तथागत बुद्ध उपदेश देने का मन बनाते हैं। अब देखते हैं कि अब किसे हम पहला शिष्य बनाए जो मेरी बातों को सुन सके, समझ सके, क्योंकि मेरी बातें तो बहुत गंभीर है, उन गंभीर बातों को समझने के लिए भी गंभीर व्यक्ति होना चाहिए, है ना। पटिशोत गामिन निपुणं गंभीरं दुर्दशं अनु राग रत्ता न दखंती तमो खंदेन आउट आती। निपुण व्यक्ति ही समझ सकता है, क्योंकि जिस रास्ते से यह चल रहा है, हमारा रास्ता तो उल्टी दिशा की ओर जा रहा है, यह दुर्दृश्य है, आसानी से इसे नहीं देखा जा सकता है। अनु ये बहुत सूक्ष्म है। राग रत्ता न दख, राग से घिरा हुआ जो मानव है इसे नहीं देख सकता। तमो खानदेन और तम मने अंधकार, अंधकार से यह घिरा हुआ उसे दिखाई नहीं, इसलिए वो प्रयास करते हैं
वह फिर दिव्यचक्षु से देखते हैं कि हम किसे अपना प्रथम उपदेश करें। तो मन में विचार आता है, जो गौतम सिद्धार्थ के जो गुरु थे आलार कलाम और उद्धक राम पुत्र, इन दोनों का मन में स्मरण आता है और उन्हें यह लगता है कि ये दोनों जो परम ज्ञानी सन्यासी थे, जो गौतम सिद्धार्थ के गुरु थे, बुद्ध के गुरु नहीं थे, बुद्ध का कोई गुरु नहीं होता, जो उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया वो अपने प्रयास से प्राप्त किया। तो गौतम सिद्धार्थ के जो दोनों गुरु थे उनमें भी तरफ थी कि परम ज्ञान को प्राप्त करने की, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाए थे, इसलिए गौतम बुद्ध उनका स्मरण करते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत आगे तक वो पहुंच चुके थे, अगर मैं उपदेश करूंगा तो वे निर्मल हो जाएंगे, उन्हें प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाएगी, उन्हें निर्वाण का बोध हो जाएगा, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, प्रज्ञा का बोध होगा, अरिहंत हो जाएंगे। लेकिन दिव्यचक्षु से देखते हैं तब पता चलता है कि आलार कलाम एक सप्ताह पहले इस लोक को त्याग चुके हैं और उद्धक राम पुत्र रात को ही उनका शरीर भी छूट चुका है। अब वो आगे ध्यान लगाते हैं, फिर दिव्यचक्षु से देखते हैं, मन में विचार करते हैं, अब किसे दिया जाए। तो जो पंचवर्गीय भिक्षु थे, जो इनके सहयोगी थे, जो उड़ुवेला में इनके साथ तप कर रहे थे, कुंडई वप बद्दीय माना मासजी, इन पांचों के ग्रुप होने के कारण इसे पंचवर्गीय एक वर्ग, पंचवर्गीय पांचों का एक वर्ग है, एक ग्रुप है, इसलिए पंचवर्गीय भिक्खु कहते हैं। तो उन पंचवर्गीय भिक्खु को स्मरण आता है, उनका स्मरण करते हैं और तब दिव्यचक्षु से देखते हैं कि ये पंचवर्गीय भिक्खु कहां विचरण कर रहे हैं। देखते हैं कि वे इसी पतन मिगदाओं में, जो वाराणसी में है, जो काशी में है, इसी पतन मिगदाओं में विचरण कर रहे हैं। इसी पद, इसी ऋषि को पाली में इसी कहते हैं। पत्तन का अर्थ होता है, जैसे विशाखा पत्तनम, पत्तन का अर्थ होता पोर्ट। मिगदाओ, मिर्ग के लिए मिग शब्द आया है पाली में, मिर्ग का अर्थ होता है डियर, हिरण। मिर्गों का वन था और उस वन में ऋषि लोग निवास करते थे, ऋषियों का पत्तन था, ऋषियों का पोर्ट था, ऋषि लोग वहां निवास करते थे, निवास स्थल था। कुछ लोग पतन भी कहते हैं कि हड्डिया गिरी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो उपयुक्त है, पत्तन होना चाहिए। आज उस स्थल को सारनाथ कहा जाता है, नाथ बुद्ध के लिए कहा गया, बुद्ध ने जीवन का सार बतला दिया, बुद्ध के द्वारा बतलाए गए सार को वाले स्थान को सारनाथ नाम दे दिया गया। आज उस किसी पतन मिगदाओ को सारनाथ के नाम से हम लोग जानते हैं। भगवान बुद्ध बोध गया में है, वे पंचवर्गीय भिक्षु सारनाथ में है। बुद्ध की करुणा जगती है इन पंचवर्गीय भिक्षुओं को दुख से मुक्त करने की। अब ये बोध गया से सारनाथ आते हैं, पैदल आते हैं और इन पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना पहला उपदेश देते हैं। उस पहले उपदेश को बौद्ध जगत में
धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है पाली में, हिंदी में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। पाली में रेप नहीं होता है, जिसके ऊपर रेप होता है उसी का द्वित्व हो जाता है। तो धर्म का धम्म हो गया, कर्म का कम हो जाता है, वर्ग का वग हो जाता है, पंचवर्गीय या महावर्गो महावर्ग। जिसके ऊपर रेप रहता है उसी का आधा अपूरा द्वित्व हो जाता है, डबल कंसोनेंट हो जाता है। तो धम्म धर्म का धम्म हो गया, चक्र का चक्र हो गया, प्रवर्तन का प्रवर्तन। धर्म का चक्र उन्होंने घुमाया इस लोक में, सत्य धर्म का उन्होंने चक्र घुमाया। अब तक सत्य धर्म लोक में नहीं था, सत्य धर्म का इन्होंने प्रतिपादन किया और उस चक्र को इन्होंने सारनाथ में घुमाया। इसलिए उस प्रथम उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। पांचों भिक्षुओं को एक साथ ज्ञान नहीं मिला, एक करके पहले कुंडी को मिला, फिर वप अभद्य को मिला, फिर अंत में महानाम अवश्य जी को मिला। तीन बार में मिला, एक साथ नहीं मिला। तीनों को मानसिक स्तर कुछ अलग अलग रहा होगा, वह पहले समझ गए, फिर दो बाद में समझे, फिर अंत में दो और समझ गए। इस तरह से पांचों जो है अर्हंत हो गए, पांचों परम ज्ञानी हो गए, पांचों निर्वाण को प्राप्त हो गए, पांचों के दुखों का अंत हो गया, पांचों परम सुख को प्राप्त कर गए। इस तरह अब लोक में, इस संसार में छह अर्हंत हो गए, एक बुद्ध हुए, और फिर पांच ये भिक्षु जो पंचवर्गीय भिक्षु है वे पांचों हुए। इस तरह अब लोक में छह बुद्ध हो गए, छह अर्हंत हो गए। फिर उसके बाद वाराणसी के ही एक सृष्टि का पुत्र, एक बनिया का पुत्र यश बुद्ध की शरण में आता है, उसे भी बुद्ध की करुणा मिलती है, वह भी अरिहंत हो जाता है। यश को देखकर फिर उसके चार मित्र आते हैं, वह भी अरिहंत हो जाते हैं। फिर 50 और मित्र आते हैं। इस तरह बुद्ध को मिलाकर 61 अरिहंत इस लोक में आ जाते हैं, यानी वाराणसी शहर में, वाराणसी में उस समय 61 अरहंत हो जाते हैं। फिर भी भगवान दो भिक्षुओं को एक साथ जाने की अनुमति नहीं देते हैं, धम्म प्रचार के लिए वे अलग अलग दिशा में अलग अलग भिक्षुओं को ज्ञान प्रचार प्रसार करने के लिए भेजते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। देशेत भिक्खवे धम्मं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यान। देव मनुष्यों, जो मैंने कहा रहा था, देव मनुष्यों के सुख के लिए, हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, हे भिक्षुओं धम्म की देशना करो, ताकि अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो सके, बहुजन हिताय, अधिक से अधिक लोगों का सुख हो सके, बहुजन सुखाय,
अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके, अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो सके। ये भगवान बुद्ध की उदात्त भावना थी, ये उनका मोटो था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो। क्योंकि तात्कालिक समाज में चार वर्णों से जुड़ा हुआ समाज था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अशूद्र। ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों सभी सुविधाओं से युक्त वर्ण थे, इनकी संख्या मुट्ठी भर थी, लेकिन जो वैश्य अशूद्र थे उनकी आबादी अधिक थी। यह वैश्य अशूद्र यही दोनों ब्राह्मण और क्षत्रियों को कर देते थे, उसकी सेवा करते थे, इन्हीं पर वह जीवित थे। लेकिन शूद्रों को तो पढ़ने की अनुमति ही नहीं दी गई थी, वैश्यों को भी द्वितीय श्रेणी, तो इन बहुजन हित बहुजन सुख वंचित था। इसलिए भगवान बुद्ध ने वाराणसी में ही ये उपदेश किया, देशेत विक्वे धम्मं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, भिक्षुओं तुम चारिका करो, विचरण करो, दो एक साथ ना जाओ, दो अगमित, दो एक साथ मत जाओ, माँ एक, दो एक साथ मत जाओ, अलग 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 सब जाओ, ताकि अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में आ सको, अधिक से अधिक लोगों को ज्ञान बांट सको और आपके ज्ञान से वह प्रकाशित हो सके और उसका भी कल्याण हो सके, वह भी वस्तु स्थिति को जान सके, उसको भी यथार्थ बोध हो सके। इस उदात्त भावना से भगवान बुद्ध ने अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना आरंभ किया और उन्होंने जो भाषा चुना, जो माध्यम चुना अपने उपदेश का, वो इन्होंने आम जनता की बोली को चुना, जिसे कुछ लोग मागधी कहते हैं और आज हम लोग उस भाषा को पाली भाषा कहते हैं, जिसे प्रफुल्ल गढ़पाल जी फिर से उसको पुनर्जीवित करने का, फिर से उसको पुनर्जीवित कर, वो तो जीवित रहा ही लेकिन उस समय के लिए हमारे यहां से हट गया था, तो फिर से उसको आम जनता में जन जन तक पहुंचाने का वो जी जान से लगे हुए हैं। जो बुद्ध की जो भाषा है उसे देव भाषा हम नहीं कह सकते, देव भाषा से ऊपर की भाषा है, क्योंकि बुद्ध जो है देवताओं से ऊपर है। बुद्ध की भाषा कहें तो ज्यादा अच्छा, उस बुद्ध की भाषा को प्रचार प्रसार में लगे हैं। मैं इस नव वर्ष में आप लोगों की बधाई देता ही हूं, मैं विशेष रूप से प्रफुल्ल गढ़पाल जी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं और मैं तीरतन से हमारी ये प्रार्थना है उन्हें इतनी शक्ति दे कि वह अपने जीवन काल में बुद्ध धम्म को, बुद्ध भाषा को, बुद्ध दर्शन को जन जन तक वह देख सके। थोड़ा सा और कुछ बोलना चाहूंगा तो, अब बुद्ध को ने अपना प्रथम उपदेश दिया, देने के बाद उन्होंने सभी भिक्षुओं को अलग अलग भेज रहे हैं, फिर इस तरह अपने भी उपदेश करते हैं, अपने भी घूमते रहते हैं, नगर नगर, जनपद जनपद, गांव गांव, पैदल विचरण करते हैं, चारिका करते रहे और लोगों को उपदेश करते रहते हैं। उपदेश करते करते अंत में कुशीनगर में, पाली में इसको कुशीनाड़ा कहते हैं, कुशीनाड़ा में अंतिम सांस लेते हैं। कुल 45 वर्षों तक वह उपदेश करते हैं।
तो कुशीनारा में जो अंतिम सांस लेते हैं, इनकी जो मृत्यु होती है, उस मृत्यु को हम लोग महापरिनिब्बान कहते हैं। निब्बान हमने कहा था परम सुख है, जो जीवित अवस्था का है, जो भगवान बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे मिला था परिनिब्बान। अब वो आवागमन से मुक्त हो गए, निब्बान के बाद ही परिनिब्बान मिलता है। जिसको निब्बान मिलता है उसी को परिनिब्बान मिलता है, बिना निब्बान के परिनिब्बान नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध जैसे 61 जो अरहंत थे, बाकी जो 60 अरहंत थे, उन्हें भी परम ज्ञान मिला, उन्हें भी निर्वाण मिला था, तो वे भी परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। लेकिन भगवान के परिनिर्वाण को शेष अरिहंतों के परिनिर्वाण से अलग करने के लिए आगे महा उपसर्ग जोड़ दिया गया। तो भगवान बुद्ध के की मृत्यु को कहें महापरिनिब्बान कहेंगे, बाकी अरिहंतों की मृत्यु को परिनिर्वाण। तो इस तरह से भगवान बुद्ध की संक्षिप्त जीवन वृत्त को आज हमने देखा। फिर कल और आगे हम बढ़ेंगे, कुछ और विशेष चर्चा होगी, क्योंकि एक पृष्ठभूमि तैयार करना आवश्यक था। तो इस पृष्ठभूमि से हम और आगे बढ़ेंगे। भगवान बुद्ध ने 45 वर्षों तक क्या क्या दिया, आम जनता को क्या लाभ मिला, आज हमें पाली क्यों पढ़ना चाहिए, बुद्ध के धम्म को क्यों जीना चाहिए, इन सारी बातों की चर्चा हम प्रयास करेंगे इस संक्षेप में ही। जिस तरह से जीवन को वृत्त को हमने संक्षेप में बांधा, उसी तरह से संक्षेप में जहां तक संभव हो सके मैं आगे के 7 दिनों में समेटने का प्रयास करूंगा। भवतु सब मंगल। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। आपने आज पहली श्रृंखला थी ये जो थेरवाद बौद्ध दर्शन विषय जो सर आपका सीरीज 1 तारीख से 8 तारीख तक चलने वाला है, आपने इसमें प्रस्तावना के तौर पर जो विषय परिचय है, विषय प्रवेश के तौर पर शास्त्र तथागत गौतम बुद्ध की जो संक्षिप्त जीवनचर्या है उसको प्रस्तुत किया। शास्त्र के जन्म से लेकर के उनके महापरिनिब्बान तक आपने संक्षिप्त में चीजों को बताया कि कैसे 4 निमित्त को देख करके अभी निखमन किया शास्त्र ने, फिर मध्यम मार्ग को अपनाते हुए उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई बोध गया में उरुवेला में, उसके बाद सारनाथ के इसी पत्तन में प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ भगवान का, और उसके बाद 61 अर्हत हुए लोक में, और फिर भगवान ने उन सबको सारे अर्हतों को चरत भिक्खवे चारिकम का उपदेश दिया कि सब अपने अपने जो है अलग अलग दिशाओं में जाएं और धर्म का प्रचार करें, और सबसे बड़ी बात की सकाय निरुतिया का भी उन्होंने उपदेश दिया कि अनुजानामि भिक्खवे सकाय निरुतिया परियापुनितुम, कि अपनी अपनी भाषा में जाइए, सुनिए, समझिए, सीखिए और सबको बताइए। और उसके बाद फिर महापरिनिब्बान उनका कैसे हुआ और परिनिब्बान और महापरिनिब्बान में क्या फर्क होता है ये आपने बताया, आपका बहुत बहुत साधुवाद आभार। अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ श्रोताओं के अगर प्रश्न हो तो ले लिए जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप सभी पाली भाषा एवं बौद्ध विद्या के जो सुधीजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनके मन में कोई सवाल हो, प्रश्न हो, आज का जो सर का विषय था बुद्ध के जन्म से लेकर के महापरिनिब्बान तक उसी से संबंधित सवाल रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस पर कोई किसी का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में या तो लिख के पूछें या फिर हैंड रेज करें, उनको अनम्यूट किया जाएगा। एक प्रश्न आया है सर, थेरवाद क्या है? थेरवाद
थेर जो शब्द है वह हिंदी में उसे अस्थवीर कहते हैं। थेर जो ज्ञानी भिक्षु है, ज्ञानी भिक्षु के लिए थेर शब्द का प्रयोग किया गया। कुछ लोग जो है थेर शब्द को जो बूढ़ा भिक्षु है, बूढ़े भिक्षु के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भिक्षु है नंद रतन थेरो जी, है ना, और कुछ लोग महाथेर भी कह देते हैं। लेकिन यह जो थेर शब्द जो है ऐसे आम भिक्षु के लिए जो, अब देख कोई और भी सवाल है कि एक ही सवाल है? अभी तो एक ही आया है सर, उसमें ये देखते हैं थोड़ा सा। पब्बजित शब्द है, सामनेर शब्द है, उपसंपदा शब्द है और भिक्षु शब्द है। पब्बजित का अर्थ हिंदी में प्रवर्जित कहते हैं। जैसे कोई गृहस्थ घर छोड़कर बेघर होकर संन्यास का जीवन ग्रहण करता है तो उसे हम प्रवर्जित कहते हैं। और वह प्रवर्जित व्यक्ति को हम श्रामनेर कहते हैं, पाली में सामनेर कहते हैं। लेकिन अब वो सामनेर बहुत दिनों तक रह सकता है, जब चाहे तब वह हटकर फिर वह गृहस्थ के जीवन में लौट सकता है। अब वह सामनेर सर अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब वो प्रवर्जित, वह सामने अब वो चाहता है कि हम आगे का और जीवन बढ़ना चाहें। जैसे मिलिट्री में अगर आप देखेंगे एक ओटीएस होता है, और ओटीएस रहता है कि 5 साल के लिए गया सेना में और फिर वो वापस आ सकता है, वो कैप्टन तक बनता है, सेकंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन करता है, कैप्टन बन जाता है, फिर वो वापस आ सकता है। लेकिन कुछ लोग चाहता है उसको कंटिन्यू करना, तो वो कंटिन्यू कर रहे अपना मेजर ब्रिगेडियर सब अपना बनता है। तो अब वो चाहता है कि हम आगे का जीवन भी संन्यास का ही जीवन जिए, तो वह जो है उसके लिए उपसंपदा की व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है। तो वह उपसंपदा करने के बाद, वह कर्मकांड करने के बाद उपसंपदा एक है कि वो, फिर वो उसी तरह से कहेगा बुद्धं शरणं गच्छामि, और हम इस पर नहीं जाएंगे, फिर कभी चर्चा होगी तो फिर हम उसके विस्तार में जाएंगे। तो उपसंपदा हो पद्धति हो जाने के बाद, उपसंपन्न हो जाने के बाद, वह सन्यासी, वह प्रवर्जित, अब वह भिक्खु कहलाता है। तो सामने अब भिक्खु में अंतर है, हर जो चीवर जो पहन लिया उसे हम भिक्खु नहीं कह सकते, कुछ उसमें सामने भी है, कुछ उसमें भिक्खु भी है। तो अब जो भिक्खु बन गया वह ऐसा नहीं है कि वह ज्ञानी हो गया, उसे प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई, वो अरहंत हो गया, ऐसा तो है नहीं। अब जिन भिक्षुओं को ज्ञान मिल गया तो वो ही थेर हुआ, और उन थेर में जो बूढ़ा भी हो गया और परम ज्ञानी भी है, अरहंत भी हो गया, तो वो महाथेर हो गया। यही आपका थेर और महाथेर है। इसके कई एग्जाम्पल हैं, अगर चाहे तो, अगर अभी समय है तो मैं आपको रेफरेंस कुछ देता हूं। मेरी एक पुस्तक है थेरवाद साहित्य एक परिचय, इससे पुस्तक में मैंने थेरवाद के बारे में कुछ लिखा है।
उसको मैं आपको बहुत बड़ा नहीं है सुना देता हूं। थेरवाद शब्द विवेचनीय है। सामान्यतया थेर पद संघ में चीरकाल से प्रवर्जित भिक्षु के लिए प्रयुक्त होता है, यानी अभी जो नया नया आया है उसके लिए हम प्रयोग में नहीं कर सकते क्योंकि वह भिक्षु है। अगर जब तक उसको ज्ञान न मिल जाए तब तक उसे थेर नहीं कह सकते। ते भिक्षु थेरा रतयु चीर पब्बजिता संघ पितरो संघ परिनायका। ये मध्यम निकाय वॉल्यूम 1 में है, लेकिन विशेष अर्थ में बुद्ध के धर्म सुत विनय तथा मातिका को धारण करने वाले थेर संज्ञा से अलंकृत है। असुकस्मिंग नाम आवासे संबहुला थेरा भिक्को विहरंती बहुसुता। बहुश्रुत है, बहुत सारा उन्होंने बुद्ध के वचनों को सुना है। आगता गमा धम धरा उसको वो आग तक उसको अपने अंदर ग्रहण कर दिया है। धम धरा उन धर्मों को वह धारण कर रहा है, अपने अंदर समाहित कर दिया है। विनय धरा विनय को भी वह पालन कर रहा है। मातिका धरा और वह अभिधम को भी जानकार है। वे थेर श्रावक बुद्ध धर्म में चतुर विनित विशारद तथा निर्वाण को प्राप्त होते हैं। निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ए तरही थेरा भिक्खु श्रावका होंती वियत्ता विनिता विशारदा पत्त योग खेम निर्वाण को कहते हैं। तो इस तरह से थेर शब्द जो है वह निर्वाण प्राप्त भिक्षुओं के लिए है। यही आपका 3 शब्द हो गए। आपके पहला जो हो गए कि सामने र, फिर उससे ऊपर के लेवल में जाएंगे तो भिक्खु, उसके ऊपर लेवल में जाएंगे जो निर्वाण प्राप्त कर लिए थेर, और जो निर्वाण प्राप्त भिक्षु बुढ़ा हो गए हैं यानी कुछ ज्यादा उम्र दराज के हो गए हैं वे महाथेर। यही आपका थेर। आगे और कोई प्रश्न हो तो बताएं। जी बहुत बहुत साधुवाद सर। श्रोता जो थे उनके प्रश्न का आपने बहुत सुंदर तरीके से जवाब दिया। सर अभी तो कोई सवाल नहीं आ रहे हैं, तो आपकी अनुमति हो तो हम प्रोग्राम के समापन की ओर चलेंगे। जी बिल्कुल 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 जी।